नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महिला सिपाही के पति ने सभासद जितेंद्र यादव की पत्नी और दो बच्चों को आग लगा दी। सभासद की पत्नी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को गंभीर अवस्था में कानपुर में रेफर किया गया। इलाज के दौरान दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। 90 प्रतिशत बॉडी जल चुकी है। घटना के समय सभासद की पत्नी बना रही थी खाना, बच्चे भी वहीं मौजूद थे। घटना करने के बाद भाग रहा महिला सिपाही का पति हादसे का शिकार हो गया और जो गंभीर रूप से घायल है। कानपुर रेफर किया गया महिला सिपाही पति के साथ सभासद के मकान में रह रही किराए पर महिला सिपाही अकबरपुर कोतवाली में तैनात है। अकबरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 नेहरू नगर से सभासद हैं जितेंद्र यादव। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस आला अधिकारी। पुलिस जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य किए एकत्र। अकबरपुर क्षेत्र के नेहरू नगर मोहल्ले में एक किराएदार ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके दो बच्चे, जिसमें एक की उम्र 5.5 वर्ष है और दूसरे बच्चे की उम्र 15 माह का है, और इन तीनों पर उसने आज रात के लगभग 9 बजे पेट्रोल डालकर तीनों पे आग लगा दिया। उस समय जो मकान मालिक की पत्नी थी वो खाना बना रही थी, जिस समय यह घटना कारित की गई है। इस घटना के बाद अभियुक्त भाग रहा था, जिसके क्रम में उसका भी एक्सीडेंट हुआ है। जो तीनों जले हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसका भी इलाज चल रहा है, और घटना के पीछे की वजह के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला है, उसमें जो जली हैं महिला, जो मकान मालिक है, उनका कहना है कि ये 2-3 दिन से डिस्टर्ब चल रहा था, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का था, और अभी जो घटना का कारण है वो यही बताया जा रहा है कि डिप्रेशन में इसने ये कदम उठाया है। और अभी अन्य जानकारी की जा रही है। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि जो ये अभियुक्त है वो एक लेडी कांस्टेबल का पति है, और ये दोनों वो उस जो मकान मालिक है उनके आवास में ये किराए पे रहते थे, और उस समय लेडी कांस्टेबल वो ड्यूटी पे थी, और जो अभियुक्त है वो अपने किराए के मकान में उस समय अकेले था। आसपास के कमरों में भी लोग थे। जब ये घटना हुई है तब वो लोग बाहर निकले हैं, तो उन्होंने इस घटना को होते हुए देखा है। और इसके बारे में और जानकारी की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो कल घटना हुई थी जिसमें एक महिला और उसके दो छोटे बच्चों को जला दिया गया था, इस क्रम में इलाज के दौरान कानपुर में दो बच्चों की डेथ हुई है, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची और एक 15 माह का बेटा है उसका, जिनको गंभीर बर्निंग थी, गंभीर चोटें थी। इस इलाज के दौरान दोनों की डेथ हुई है और महिला का इलाज कानपुर में चल रहा है, उसकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। आरोपी को भी एडमिट किया गया? आरोपी घटना करने के बाद सड़क पर भाग रहा था, तो रोड एक्सीडेंट में उसको भी इंजरी आई, वो भी हॉस्पिटल में उसका भी इलाज चल रहा है, उसका सर फटा हुआ है। तो अभी उसके इलाज के दौरान, लेकिन वो उसकी स्थिति उतनी गंभीर नहीं। सर, क्या पता चला आखिर क्या वजह थी? अगर इतने कई घंटे बीत चुके हैं, जांच की हुई है, कुछ उसमें महिला ने बयान दिया हो? महिला का बयान हॉस्पिटल में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है। बयान में उसने लड़के को विक्षिप्त होना और डिप्रेस्ड होना बताया है प्रथम दृष्टया, लेकिन अब लड़के से जब बातचीत हो तो उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। लड़का बेरोजगार था और घर पे रहता था, और बताया गया कि 2-3 दिनों से वो ज़्यादा डिस्टर्ब था और मानसिक तौर पे परेशान था। अब किस कारण से हुआ है उसके बारे में गहराई से छानबीन की जाए। थैंक यू सर। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।